we are here at the helipad at Gurez, and we'll be trekking up to a place called Dasantong. With us is Ajar. बहुत ही अच्छा ट्रैक है सर. अच्छा तो लगभग 2-3 घंटे लग जाएंगे सर. We've just started the climb, and you can see that the mist is lifting over the valley, and you can see Davar behind me. ये zigzag चलने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप अपनी एनर्जी को बचा सकते हो. और ये बड़ी फायदा, और ये भी आपको एक 50% सहारा देगी. Gurez is literally, this is an amazing place for the people who love adventures actually. For trekking, this is amazing. This is Zaid, and he's been the DJ of the entire trek, entertaining us with all kinds of songs. ये सर एक जड़ी बूटी है, इसको हम मुरी बोलते हैं. ये सर बहुत सारी ये बीमारियों का भी है. एक तो कम से कम मतलब पेट का जो दर्द होता है ना सर, हाँ. वो ठीक हो जाता है. सरी, और ये ट्रैकिंग के लिए रेस्टिंग स्पॉट. थैंक्स टू सुहेल, वी हैव रोटी एंड सब्जी आउट हियर. So we have reached this place called Cheer Patra. Cheer means the baby lamb, and Patra is the rock where you sit on. जो ये होल वगैरह सर बने हैं ना सर, इसके पीछे एक स्टोरी है सर. जो हबा खातून जो फेमस पोइट्रेस एक थी कश्मीर की सर, उसके पीछे कुछ पांडव आए थे सर, और जो पांडव थे वो बहुत बड़े हैवी थे, और उनके पैरों के निशान हैं ऐसी सर. फिर वो करते करते हवा खातून जो पीक है ना सर, वहाँ तक पहुँच गई और फिर वहाँ पे गायब हो गई. So now DJ is playing हवा खातून song. चार कर्मियों माल. ये सर बोझ पत्र बोलते हैं दृष्टि. अच्छा दिस इज दृष्टि. यस इस पे वो लिखा करते थे पहले सर, लेटर राइटिंग लेटर वगैरह लिखा करते सर. Finally, we have reached our destination. This is called Dasantong. Behind me is this pretty little hut. This is where trekkers can rest and cook something. ये हट है जहाँ पर लोग जो है अपने बेड़ वगैरह दिन में चराने वगैरह के बाद फिर शाम को स्टे करने के लिए लोगों के लिए, और जो भी ट्रैकिंग वगैरह के लिए आते हैं वो भी इस हट का इस्तेमाल कर सकते हैं. सोहेल रफीक अभी चाय बना रहे हैं हम सब के लिए. थैंक यू सोहेल. सो वेलकम टू स्नो इन जून. वी आर गोना डू अ लिटिल बिट ऑफ वॉकिंग इन द स्नो. Biryani for lunch. Should I not serve?